हाँ यहाँ पे भी आपको घुमाऊंगा, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। ये यहाँ पे एक रामदेव जी का मंदिर है, वहाँ हर महीने 11 होती है, वहाँ मेला लगता है और बहुत अच्छा मेला लगता है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। और मैंने जो अभी यहाँ पे बताऊँगा, मैं जहाँ रुका था मेरे मामा जी के यहाँ पे, वहाँ से भी अच्छा व्यू आता है, सुबह बताऊँगा कैसा लगता है यहाँ पे। और यहाँ बहुत मतलब यूनिक यूनिक चीज़ें देखने को मिलेगी आपको, मंदिर भी है, नदी भी है यहाँ पे, और टेंपल भी बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, और पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और यहाँ पे सब ज़्यादातर एजुकेशन वाले लोग रहते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो फिर देखिए आप वीडियो, एंजॉय कीजिए, मिलते हैं वीडियो एंड होने के बाद में। ये है मेरा ननिहाल का दृश्य, देख लीजिए कितना अच्छा है। ये मैं सबसे टॉप पे खड़ा हूँ, मेरे मामा जी का मकान है सबसे छोटे वाला, वहाँ पे खड़ा हूँ। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा दृश्य आ रहा है यहाँ पे। ये सामने जो दिख रहा है ये वाला मकान, ये भी मेरे मामा जी का ही है, और ये जो पीला वाला ये भी मेरे मामा जी का ही है, ये वाला है जो ये भी मेरे मामा जी का है, और वो सामने है जो वो भी मेरे मामा जी का है, एक वो है जो इतना दूर बना हो वो, ये वाला मकान वो भी मेरे मामा जी का ही है, सबसे बड़े मामा जी उनका मकान है, वो सबसे शानदार मकान है। और अभी मैं कितना टॉप पे खड़ा हूँ देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा। अभी तक लोग उठे भी नहीं हैं, मैं कुछ सुबह सुबह उठ के ऊपर आया था, तो यहाँ बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा व्यू देखने को मिला, इसलिए मैंने बोला शूट ही कर देते हैं। तो ये पीछे हरियाली है, यहाँ पे पीछे देख सकते हो कितनी बढ़िया हरियाली है। वो मेरा जो घर दिख रहा है वो पीले वाला, वो मेरा दोस्त का मकान है, जब मैं 5वीं क्लास में था यहाँ पे तब वो रहता था यहाँ पे, अभी तो वो भी चला गया बेंगलोर। ये जो आप सामने देख रहे हो वो गढ़ है यहाँ का, यहाँ पे एक पिक्चर भी शूट हुई थी, मेरे को नाम याद नहीं है, मैं उस टाइम 5वीं क्लास में था तब यहाँ एक पिक्चर शूट हुई थी इस गढ़ में। बहुत अच्छा है यहाँ पे गढ़, ये भी अंदर से, मैं खुला होगा तो अंदर जाके भी बताऊंगा आपको, अगर नहीं होगा तो फिर सॉरी। पक्षी भी आते हैं यहाँ छत पे, देख लो कितने। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो हम मंदिर आ चुके हैं, रामदेव जी का मंदिर में, ये बगड़ी में स्थित है, बगड़ी नगर सोजत के पास में एक गांव है बगड़ी नगर, तो वहाँ स्थित है ये मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे राम सा पीर खुद आके गए थे, तब से ये मंदिर बहुत पुराना है। और ये जो सामने आप मूर्ति देख रहे हो चांदी की मूर्ति है, और ये मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे पुजारी के अलावा और किसी को जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकता, यहीं से देख सकते हो आप। और ये मंदिर बहुत बहुत पुराना है, इसके बाद में इन लोगों ने मिल के इस मंदिर को बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग इस पे की हुई है, बहुत मस्त मंदिर है ये। ये मैं बैठा हूँ और मेरा भाई बैठा है, हम दोनों पूजा कर रहे हैं। ये पूजा ख़त्म होने के बाद में मैं आपको और भी बहुत कुछ दिखाऊंगा, इसके आगे बहुत मस्त मंदिर हैं, बड़ा भी है, तो देखते रहना आगे, मस्त मंदिर हैं। पूजा ख़त्म होने के बाद में आपको और भी घुमाने ले जाएंगे इसमें, बहुत घूमने लायक चीज़ें भी हैं इसमें, तो आना ज़रूर देखना आगे, वीडियो देखते रहिए। तो आप देख सकते हो मैं अब मंदिर में आ चुका हूँ, और मेरे पीछे देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, पेंटिंग बहुत अच्छी है, और मंदिर भी बहुत बड़ा है, अच्छा है, हर महीने मेला लगता है यहाँ पे, और यहाँ पेंटर बहुत अच्छे हैं, देखो पीछे देख सकते हो हर मतलब हर दीवार में जगह 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 पेंटिंग की हुई है, छोटी 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 सब जगह पूरी आसपास में, और चलते आके देखते रहना, वीडियो बहुत अच्छा बनेगा वीडियो, और आपको एंजॉय भी होगा, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और
चलते फिर आके भी दिखाएंगे आपको, ये बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ मेला भी लगता है अच्छा सा, तो ठीक है देखते रहिए। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कला का प्रदर्शन किया हुआ है, हर दीवार पे मतलब थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ पे पेंटिंग की हुई है, बहुत अच्छी पेंटिंग की हुई है जगह जगह छोड़ छोड़ के, बहुत मतलब कला का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है यहाँ पे, हर चीज़ का मतलब चित्र के द्वारा बताया गया है कि इस मंदिर में क्या है क्या नहीं है, इस भगवान ने क्या किया था क्या नहीं किया था, हर चीज़ को बता रखा है मतलब इससे पेंटिंग के द्वारा, और पेंटर भी बहुत अच्छे थे तभी तो इनका मतलब एक ऐसे लगता है कि सच में ये दिख रहा है कि एकदम यही है, मतलब असली मतलब पेंटिंग लग रही है, मतलब जिंदा पेंटिंग जिसको बोलते हैं। और ये देख रहे हो ये मेरे मंदिर का पूरा मतलब मैदान है सामने, और ये मंदिर का मेन गेट है, तब मतलब मंदिर जो बना हुआ है ना जहाँ स्थापना की हुई है मूर्ति की, उसका ये मेन गेट है, और ये पास में डाली देवी का मंदिर बना हुआ है, डाली बाई जो रामसा पीर की बहन थी उनका मंदिर ये बना हुआ है उनके सामने ही, बहुत मस्त है मंदिर और अच्छा भी है वैसे, और श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, तो आइए घूमिए ठीक है, आगे देखते रहिए। फिर ये आप देख सकते हो यहाँ पेंटर का नाम और मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, और कब बनी हुई है ये भी लिखा हुआ है, ये मदन नाम है इनका, जो ये सारी पेंटिंग इन्होंने ही बनाई है यहाँ पे। ये जो है ये मंदिर का मेन चौक है, यहाँ पे भजन संध्या होती है मंदिर में, जब भी होती है तब भजन संध्या का आयोजन होता है वो इसी चौक में होता है, और ये है मेन जो मंदिर है वो इनके सामने ही होता है भजन संध्या का आयोजन, और ये मेरे दोनों भाई बहन हैं छोटे वाले मामा जी के लड़के लड़की, और ये देख रहे हो मतलब कला का इतना अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है यहाँ पे, बहुत ही मस्त। और ये जो है ये अंदर बनी हुई है जीवित समाधियाँ, 16 जीवित समाधियाँ जो यहाँ पुजारी थे उन्होंने जीवित समाधियाँ ली थी यहाँ पे, उनकी समाधियाँ अंदर बनी हुई हैं, वो देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पे पेंटिंग करके बहुत अच्छा दिखाया गया हर चीज़ को यहाँ मंदिर के अंदर। देखिए फिर ये दूसरा मंदिर है, मतलब मंदिर के पास में एक और मंदिर है वो है, और ये इस मंदिर के सबसे पहले पुजारी थे जिनको रामसा पीर ने दर्शन दिए थे, राजेश्वर जी महाराज जो सबसे पहले पुजारी थे यहाँ मंदिर के, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे जीवित समाधि ली थी, तो 16 समाधि जो जीवित समाधि यहाँ पे ली हुई है उनमें से सबसे पहले ये हैं, और ये घोड़ा है जो ये इन्होंने मतलब स्थापित किया था यहाँ पे जब इस मंदिर की स्थापना हुई थी सबसे पहले तब, और ये जो देख रहे हो आप ये सब जीवित समाधियों के मतलब पग बने हुए हैं जिनको बोलते हैं, जीवित समाधियों की ली हुई है यहाँ पे सारी 16 जीवित समाधियाँ हैं यहाँ पे, जो थे पुजारी उन्होंने यहाँ पे जीवित समाधियाँ ली थी सब लोगों ने, और देख सकते हो मतलब इस मंदिर में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने देखने को मिलेगी आपको, और जो ये सामने आप जो देख रहे हो पंडाल, इसमें रूम में जो मतलब घोड़े रखे हुए हैं, तो इस मंदिर की यही मतलब खास बात है कि यहाँ पे घोड़े चढ़े जाते हैं, जो रामसा पीर का घोड़ा था वो यहाँ पे मतलब उनकी याद में यहाँ चढ़ाए जाते हैं घोड़े, जब भी मेला लगता है तब यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं वो जो मतलब बोलते हैं अपने इच्छा पूरी करने के लिए, तो वो यहाँ पे स्थापना करते हैं घोड़ों को, घोड़ा वगैरह चढ़ा के जाते हैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हो यहाँ धूनी बनी हुई है पास में, जो ये महाराज थे उनकी पहली धूनी है यहाँ पे, बहुत अच्छा दिखाया गया है मंदिर को, 16 जीवित समाधियाँ भी हैं यहाँ पे, और ये जो हैं ये इनके महाराज वही हैं, उनके ये पक्के पग चिन्ह रखे हुए हैं, और ये जो अणछी बाई है वो उनका मंदिर है, और ये जो शिव जी का मंदिर है सामने जो एक कुएं के ऊपर बना हुआ है, और सामने वो प्याऊ हैं, और ये जो है ये प्याऊ बना हुआ है, और ये सामने जो धुनी देख रहे हो आप ये धुनी 24 घंटे चलती रहती हैं, ये धुनी 24 घंटे चलती रहती है सर्दी गर्मी सब टाइम पे, और ये पेंटिंग बनी हुई है इस दीवार पे, मतलब मंदिर में हर जगह अच्छी अच्छी पेंटिंग एक प्रदर्शन किया गया है, और बहुत ही अच्छा मतलब दिखाया गया है मंदिर को, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है मंदिर।
और ये प्याऊ है यहाँ पे। और ये मंदिर का दूसरा गेट है जो दूसरी तरफ जाता है। ये मंदिर है बहुत। और ये जो देख रहे हो आप, ये है मेला चौक, जहाँ मेला लगता है मंदिर का। हर साल मतलब हर महीने यहाँ मेला लगता है। इस मंदिर की यही खासियत है कि यहाँ हर महीने मेला लगता है। और ये जो देख रहे हो आप, ये मेला चौक है जो। और यहाँ पे झूले लगते थे पहले, पर अभी ये बन गया पंचायत का, तो ये आप झूले नहीं लगते। और ये यहाँ पे महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित की हुई है। लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और लाइक शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा करना। और घूमने बहुत ही अच्छी जगह है, तो घूमने ज़रूर जाना। मैं और भी चीज़ें दिखाता आपको, लेकिन मैं नहीं जा पाया, इसलिए सॉरी। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखता हूँ कहाँ जा पाता हूँ मैं घूमने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the video.